कुछ मॉस और फन हैं जो आपको एक्वेरियम या पैलोडारियम में देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रकार के मॉस और फन को आप आसानी से नेचुरल रूप में कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इन प्लांट्स को कैसे और कहां संग्रहित किया जाए, इस पर यह वीडियो शुरू करते हैं। यहां बहुत ही अंधेरा है और साथ ही साथ बहुत ही नम है। यह एक पाइन वन के नीचे की ओर का स्थान है। यदि यहाँ दिन हो भी तो फिर भी सूर्य की किरणें यहाँ नहीं आती। इस तरह के पाइन जंगल में जहाँ इस प्रकार की नमी और अंधेरा है, वहीं विभिन्न प्रकार के मूस और फन देखे जा सकते हैं। आगे जंगल के अंदर कुछ रोशनी दिख रही है, चलो वहाँ चलते हैं। पहले वो मॉस के बारे में बात करूंगा जिसे स्पाइक मॉस कहा जाता है। इसे मॉस कहने की बजाय फर्न कहना अधिक उत्तम है। ये फर्न ऐसे भीगे मौसम में पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं। ये सीधे सूर्य की रोशनी में नष्ट हो जाते हैं। इन फर्न को पालुरियम में अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि इस प्रकार के फर्न अमर्ज स्थिति में अच्छे रहते हैं और सबमर्ज स्थिति में अधिकांश समय नष्ट हो जाते हैं। शायद आपने इन फर्न को पहले ही पलुडेरियम में देखा है। यह एक कॉमन फर्न है जिसे बोस्टन फर्न कहा जाता है। इसके पत्ते बहुत लंबे होते हैं और पत्ते के कोने चौड़े होते हैं। इसे पलुरियम में लगाने के कुछ दिनों बाद ये बहुत घना हो जाते हैं, तब इसे देखने और अच्छा लगते हैं। यह एक बड़े प्रकार का फर्न है। इसका नाम जायंट चेन फर्न है। इसे पलुडेरियम में उपयोग किया जाता है, लेकिन बहुत कम होबिस्ट इसका पलुरियम में उपयोग करते हैं। चलिए इसके बाद की मॉस के पास चले। ये ब्रैकेटिशियम मॉस है। ये पाइन वन के तल पर लो लाइट में ग्रो करते हैं। इस मॉस को पत्थर लकड़ी के ऊपर देखा जाते हैं। यह मर्ज्ड और सबमर्ज्ड दोनों स्थितियों में जीवित रह सकता है, इसलिए इसे एक्वेरियम और पैलुडारियम दोनों क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। जितना आगे बढ़ रहा हूँ जंगल उतना ही अधिक घना हो रहा है और लाइट कम हो रहा है। इस प्रकार के स्थान पर कुशन मॉस नामक इस प्रकार के मॉस उगते हैं। हालांकि अब ठंडे मौसम है इसलिए उनका ग्रोथ बहुत कम है। इन मॉस से पैलुडेरियम के ड्रिफ्ट वुड और पत्थरों को ऊपर स्कैपिंग किया जाता है। अमर्ज स्थिति में यह मॉस अधिक अच्छे रहता है। चलो अब जंगल से बाहर निकलते हैं, पहाड़ के ऊपर जाते हैं। वहाँ बहुत कुछ मॉस पाया जा सकता है। आप इस मॉस को एक्वेरियम और पैलुडेरियम को पहले भी शायद देखा होगा। आप साथ हो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब बहुत थकान महसूस हो रही है क्योंकि यहाँ आने के लिए कुछ दूरी चलनी पड़ती है। चलो इस बार मॉस के बारे में चर्चा करें। यह मॉस पहाड़ के कुछ ऊपर होता है। इसे है कैप मॉस कहा जाता है। अभी यहाँ सर्दी का मौसम है इसलिए मॉस इस तरह से सूख गया है। यह मॉस मानसून के मौसम में ऐसा दिखता है। इस मॉस को हॉबिस्ट लोग पालुडारियम में एमज अवस्था में अधिक रखने को पसंद करते हैं। इसके बाद का मॉस का नाम फेदर मॉस है। यह मॉस पहाड़ों पर बहुत ऊपर देखा जाते हैं। अब सर्दियों के मौसम में ये सूख गया है। ये बरसात के मौसम में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यह मॉस आप एक्वेरियम और पालुरियम दोनों जगहों पर रख सकते हैं। अब मेरे घर लौटने का समय आ गया है। इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। आप सभी अच्छे रहें। टेक केयर।